ये सीबीसी 10th क्लास का पेपर है, जो मैंने 10th जो पेपर लीक हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, ए बी बटा पी क्यू दे रखा है, हमें इसका रेशो ज्ञात करना है। तो जब त्रिभुज सिमिलर हो तो ये ट्रायंगल क्या होते हैं आपके, ए ये थ्योरम लगता है 6.6 और 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/9। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23। कोस को चेंज कर देंगे साइन में, ये आ जाएगा ऐसा, फिर दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स वाई और मूल बिंदु मतलब 0 0 से दूरी का फॉर्मूला बताना है, ये फॉर्मूला है। फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें एक्स का वैल्यू दे रखा है 3, मतलब एक्स का मूल है इसका, एक्स का मतलब 3 दे रखा है, एक्स जगह पुट करेंगे और पुट करके सॉल्यूशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1/2। फिर छोटी छोटी संख्या भाज्य संख्या बतानी है, भाज्य संख्या छोटी छोटी है 4, स्मॉल नंबर बताना है, ये भाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर है और ये है आपके प्राइम नंबर। दोनों का मत्स्य ज्ञात करेंगे, एस सी एफ ये 2 आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर आपके 6, डी दे रखा है और सातवां पद दे रखा है A7। A7 इजिकल होता है A+60 इजिकल टू 4, और ये डी की जगह पुट कर देंगे वैल्यू और -24 उधर ट्रांसफर कर देंगे, प्लस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, हमें 1 व 100 के बीच, 1 व 100 के बीच में क्या आता है, 2 से लगाकर आएगा आपके 22 से 99 तक, मतलब टोटल नंबर होते हैं वो होते हैं 98 होते हैं टोटल नंबर। पहला फाइंड करना है 8 से बाद, 1 से 100 नहीं है, 1 व 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में 2 से लगाकर 99 तक है। अब यहाँ आपके पहले 8 से भाज्य, तो संख्या ये है टोटल, ये संख्या है टोटली ये 12 संख्या है और टोटल संख्या है 98, क्योंकि 1 भी नहीं लेना है 100 भी नहीं लेना है, इसके बीच की संख्या लेनी है, तो 98 आ जाएगा। अ से भाज्य नहीं है तो क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे। फिर अगला है पासा फेंकना है, एक पासा उछाला है 2 बार, तो पहला का आएगा द्विक आना, मतलब एक जैसा नंबर ही आना, तो वो आ जाएगा 6/36, मतलब 1 1 2 2 3 4। दूसरा पूछा है इसने, दोनों में योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, जैसे 4 6 6 4 5 5, ये हो जाएगा 3/36, टोटल 36 और 3 यहाँ लगाना। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ए है एवं एक बी है और पी इन दोनों का बीच का कोई बिंदु है, हमें पहले अनुपात ज्ञात करना है और एम, तो हमारे पास ए के तीनों मान दे रखे हैं, मतलब वो ना x1 x और x2, x के तीनों मान दे रखे हैं, तो x का सूत्र लगाएंगे और माना अनुपात, के अनुपात एक मान लेंगे और अनुपात ज्ञात कर लेंगे, अनुपात आ जाएगा k का मान 1 आ गया, अब ये k अनुपात 1 है ही है, k+1, तो ये 1:1 हो, अनुपात बराबर है, y का मान ज्ञात करना है, अनुपात बराबर है तो m1 m2 लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 10, हमें बताना है कि एक अपरिमेय संख्या है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है √2 एक अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, तो मानना है इसको पहले परिमेय मानना है, रैशनल नंबर मानना है, और a/b के रूप में लिख सकते हैं, ये प्लस का है तो उधर आएगा माइनस में, मल्टीपल का है तो हो जाएगा डिवाइड में, और लिखना है कि ये सारे इंटीजर हैं, सो कॉल्ड ए रैशनल नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट के अनुसार अगर ये अगर रैशनल नंबर है तो ये भी क्या कहलाएगा, रैशनल। परंतु क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, सो 5 + √3 √2 इज ए इरेशनल नंबर। अब ये डायग्राम दे रखा है, x + y = 30 14, x - y, ये देखो ऑपोजिट साइड आर इक्वल ऑफ रेक्टेंगल, तो ऐसा लिख देंगे और ये x का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, x का वैल्यू फाइंड होने पर क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ कर देंगे फर्स्ट में, x = 22 + y = 30, y का वैल्यू आ जाएगा। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 12 में, ये 3 के 8 गुणज लिखने हैं आपको, तो 8 गुणज ऐसे लिखना, ऐसे इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे है अगर क्वेश्चन नंबर तो देख लेना, क्योंकि मुझे पूरा पेपर मिला नहीं नेट पर, तो मैंने जैसा एडजस्ट जैसा मिला क्वेश्चन वैसा मैंने क्वेश्चन को कर दिया, ऊपर नीचे देख लेना क्वेश्चन कौन सा है, 3 के 8 गुणज बताने हैं, तो 3 के 8 गुण होते हैं 24 तक, ये पहला पद है, ये लास्ट पद है और टोटल पद है वो 8 है, सूत्र लगाएंगे ज्ञात कर लेंगे 108 आ जाएगा। फिर सी पार्ट में आप थोड़ा देख लेना आगे पीछे है नंबर थोड़ा, तो सही ध्यान से देना है, देखो ये दे रखे हैं चारों पॉइंट दे रखे हैं, ये पैरेललोग्राम के दे रखे हैं, तो हमें फाइंड करना है ये ए और ये बी फाइंड करना है, ये वाला बी, इन दोनों में तो क्या कहते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये और ये बराबर, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, ये और ये बराबर, इसका मतलब मिड पॉइंट है, तो फॉर्म लगाएंगे मिड पॉइंट वाला, एक्स फाइंड करेंगे,
एक बार तो करेंगे एसी से और एक बार करेंगे बीडी से, कैसे भी करो आपको तो एक्स मिल जाएगा, इधर से भी एक्स मिलता है, इधर से दोनों तरफ से करेंगे। पहले ये जान लेंगे, पहले पहले माइनस टू और फोर अपॉन टू और वन और ए अपॉन टू, ऐसा करेंगे, टू से टू कैंसिल, ये हो गया फोर माइनस टू इज इक्वल टू प्लस का टू, ट्रांसफर इधर प्लस का बनाए इधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा वन। अब जैसे इधर किया ना वैसे इधर वन प्लस बी अपॉन टू और टू प्लस जीरो अपॉन टू, ये ऐसा करना है, टू से टू कैंसिल, ये प्लस का वन उधर ट्रांसफर कर देंगे माइनस हो जाएगा, तो ए का वैल्यू वन और बी का वैल्यू भी वन। एक ट्राइंग एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, या तो आपको ये करना है, या एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है हमें इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया अलग याद करेंगे, इसका एरिया अलग याद करेंगे, फॉर्मूला ये हो जाएगा। और इससे हम वैल्यू देखो पहले लेंगे ए बी सी, ये वाला ए बी सी के तीनों वैल्यू ले लेंगे और यहाँ एक्स वन वाई टू लगाकर ज्ञात कर लेंगे, आएगा 17.5। फिर ले लेंगे ए डी सी, ए डी सी ज्ञात कर लेंगे, 6 माइनस 5 बराबर 11, 11 इंटू 5 बराबर 55, ये 55 है, और ये गुणा भाग करेंगे 55 52, ये टोटल होता है 109 का आधा करेंगे 54.5 आता है। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता, तो हम क्या करते हैं उसको प्लस कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो उत्तर आता है 72। फिर है आपके ये दे रखा है, ये डिवाइड वाला है, तो एक्स का वैल्यू दे रखा है, वाई का वैल्यू दे रखा है, हम क्या करेंगे इन दोनों को इधर लेके आएंगे, तो दोनों प्लस के किस में हो जाएंगे माइनस के, उनको इधर लाएंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का। इस पूरे को ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, यहाँ भी ए और बी, एक बार माइनस में प्लस में तो मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर आ गया और ये स्क्वायर रूट थ्री बी स्क्वायर आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। अब ये इसका शून्यांक है, ये इसका जीरोज है, इसलिए इसका इसमें इसका भाग देंगे ना तो भाग पूरा पूरा जाएगा यहाँ तक, तो इसमें इसका डिवाइड करना है, ये डिवाइड करने पर ये वाला आंसर आएगा। अब ये जो आंसर आया इधर, इस आंसर को क्या करें, यहाँ लिखेंगे, इसको आंसर यहाँ लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा वन और वन बाई टू। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, आगे पीछे देख लेना, नंबर आगे पीछे हो सकता है, आपको पता ही है एलसीएम एलसीएम फाइंड करना है ये वाला दोनों का, तो इसके टुकड़े करेंगे, ये आता है इसका, ये होता है, और फिर हम इसके टुकड़े कर देंगे, ये आ जाएगा, और इसकी जांच करनी है, जांच कर सकते हो एलसीएम इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड। फिर है हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो इनको ऐसे मिला लेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे ए ओ बी और ए ओ सी, दो त्रिभुज बना लेंगे, ये ए ओ ये भुजा ऐसी है जो कॉमन है, ये भुजा बराबर है त्रिज्या और ये कोण 90 डिग्री। नियम लग जाएगा आरएचएस द्वारा कि त्रिभुज क्या होते हैं आपके सर्वांगसम, सर्वांगसम है तो बाई सीपीसीटी द्वारा कह सकते हैं ए बी बराबर ए सी। क्वेश्चन नंबर 17 में प्रूव करना है कि स्क्वायर की डायगनल पर बना और ये साइड पर बना, डायगनल और साइड तो इस ट्राइंगल के अंदर आते हैं दोनों, तो ये तो आती इस ट्राइंगल के अंदर और ये आती इस ट्राइंगल के अंदर आती, तो हम क्या करेंगे ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, सॉल्व करेंगे, ए बी और ए सी दोनों इक्वल है क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर, तो बी सी बी सी टू टाइम लिखेंगे, यही क्यों लिखा क्योंकि देखो इसके ए बी की तो हमें जरूरत है नहीं, इन दोनों को ले लेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 2BC स्क्वायर। अब ट्राइंगल सी बी ई और ए सी एफ यानी ये वाला और ये वाला दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों क्या इक्विलेटरल, इसलिए दोनों क्या होंगे सिमिलर होंगे, सिमिलर है तो वो भी क्वेश्चन नंबर एक में किया था वैसे करना है, सिमिलर है तो एरिया का रेशो इजिकल टू साइड के रेशो के इक्वल होता है, ए सी का स्क्वायर का ये वैल्यू दे रखा है, ए सी का मतलब होता है 2BC स्क्वायर, काट देंगे बी सी बी सी स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, और ये मल्टीपल का है हो जाएगा डिवाइड में, सो इस बी सी इजिकल टू हो जाएगा ए सी एफ। अब ये वाला है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और तो हमें उसका एरिया बराबर है और हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो अगर सिमिलर है तो ऐसा लिख सकते हैं एरिया बराबर है तो यहाँ ए बी सी तो यहाँ भी ए बी सी आ जाएगा क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है, इसलिए पी क्यू आर ए बी सी की जगह दोनों ले देंगे, दोनों कट जाएंगे हो जाएगा एक। अब ये स्क्वायर हट गया, ए बी स्क्वायर इसका लगा स्क्वायर रूट, एक का स्क्वायर रूट होता है एक, तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी और पी क्यू क्या हो जाएंगे बराबर, ऐसे ही बी सी क्यू आर बराबर होंगे, ऐसे ही ए सी पी आर भी बराबर हो जाएंगे, और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो एस 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 रूल्स द्वारा दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं सर्वांगसम। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपके दे रखा है एक गाड़ी की चाल है जो 100 किलोमीटर बढ़ाने से 30 मिनट जो लेट हुए थे ना, 30 मिनट लेट होने के कारण हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी तो टाइम वही लगा, तो दोनों के जो टाइम में डिफरेंस है वो 30 मिनट का, मतलब 30 मिनट लेट पहुंचने पर भी हम 30 मिनट बोलो या हाफ आवर बोलो एक ही बात है,
तो मानना पहले गाड़ी की स्पीड कितनी थी x, और स्पीड बढ़ाई तो हो गया x प्लस 100। अब यहाँ तो हमारे पास 30 मिनट दे रखा, टाइम दे रखा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले एक बार ये लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूसरी बार लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेंगे। गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए इसको पीछे रखेंगे। इसमें गाड़ी की स्पीड कम है ना, तो ये जरूर जल्दी, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो ये टाइम ज़्यादा, इसलिए आगे रखेंगे। फिर इसको लेंगे एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कट जाएंगे नंबर, सॉल्व करेंगे, फिर कर देंगे तिरछा गुणा, तो ये 1.5 लाख, ये 2 लाख हो जाएगा। ऐसे कौन से, गुणा करने पर 3 लाख और घटाने पर 100, 600 × 500, ये कॉमन ले लेंगे। तो आपके ये तो आंसर आ रहा है माइनस में और ये आ रहा है प्लस में। माइनस का है उधर 500, प्लस का तो उत्तर क्या हो जाएगा 500। स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती। अगला है 19 क्वेश्चन दे रखा है, तो 19 में आपको करना क्या है, ये ग्रुप दे रखे हैं हमें, मीडियन ज्ञात करना है। तो पहले हम ज्ञात कर लेंगे छोटा एम 140, ये आएगा इन दोनों के बीच में, तो ग्रुप हो जाएगा 10 से लगाकर 15। सूत्र लगाएंगे, सूत्र में जमाएंगे, देखो 140 तो ये वाला माइनस 49 ये वाला बटा एफ 133 × 5 कर देंगे। इन इनको घटाएंगे और गुणा भाग करेंगे तो आएगा 3.421, दोनों को जोड़ लेंगे आ जाएगा 13.42। अब ये देर का है, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। सिंपल ये 2πr(s) लगाना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये गोला इधर भी है इधर भी है गोला, तो दो दो आ जाएंगे आपके, ये अर्ध गोले आ जाएंगे, हेमिस्फेयर आ जाएगा। तो एक तो है आपके सिलेंडर का सरफेस एरिया, और टू आ जाएगा आपके सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें टू कॉमन आ गया, 2πr कॉमन, पीछे बच गया h+2r, ये पुट करेंगे वैल्यू और इनको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 374। फिर है आपके, या तो ये कर लो क्वेश्चन, या फिर एक क्वेश्चन और दे रखा, चावल की ढेरी है जिसका जो डायमीटर दे रखा है वो है आपके 12 मीटर, और हाइट दे रखी 3.5 मीटर। अब इसका जो वॉल्यूम है, फॉर्मूला है 1/3πr² h से हम सॉल्व कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके, हमें बताना है कि इसके चारों ओर ढकने के लिए जो तिरपाल लगाएंगे वो कितना होगा। तो त्रिपाल के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा सीएसए, उसके लिए सीएसए में फॉर्मूला है πr(l). l हमारे पास नहीं है तो l हम ऐसे फाइंड करेंगे, r² + h² से याद कर लेंगे, 12.5 आ जाएगा। फिर 12.5 यहाँ लगाएंगे सूत्र में और हल कर देंगे, 471.25 आ जाएगा। इसमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, शेडेड रीजन ज्ञात करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट का मतलब होता है वन सर्कल, 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट को मिलाएंगे वन सर्कल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, हमारे पास साइड 12 दे रखी है, यही साइड और यही डायमीटर कहलाएगा, मतलब 2r कहलाएगा, तो 1r हो जाएगा आपके 6 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, 6 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 113.04 आता है, घटाएंगे 30.96। फिर टेन थीटा का मान दे रखा है, हम क्या करेंगे ये मल्टीपल का भेज देंगे डिवाइड में, और ये आ जाएगा आपके हाइपोटेन्यूज याद कर लेंगे, ये मल्टीपल डिवाइड हो गया, परपेंडिकुलर है बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज नहीं है, ऐसे याद कर लेंगे उत्तर आ गया 5। फिर साइन कॉस दोनों याद कर लेंगे, साइन का मान है P/H, कॉस का मान है B/H, लंब बटा आधार और आधार बट लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण, ये वाला वैल्यू आया ना उत्तर, दोनों यहाँ जमा देंगे। जमाने के बाद गुणा कर लेंगे, 4 × 12/5, 4 × 12/5, 4/5, ये जोड़ेंगे घटाएंगे तो आएगा 13/5, 11/5 से 5 कट गया उत्तर आ गया 13/11। या तो ये कर लो साइन टा कॉस टा में, या साइन टा कॉस टा में ये वाला कर लो, ये दे रखा है आपके टेन 2a = cot a − tan का मतलब होता है cot 90 − θ, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो नंबर है आपके cot को कट जाएगा, ये प्लस का a है माइनस का हो जाएगा, ये 90 प्लस का है हो जाएगा माइनस में, और फिर माइनस का 3a = −108 मल्टीप्लाई का डिवाइड में 36 आ जाएगा। फिर है पार्ट डी, अब डी में देखो दे रखा है एक बहुत बड़ा एक खंबा है, क्या नाम है, टावर है, टावर के ऊपर से यहाँ कोई दो जहाज के कोण दे रखे हैं, ये कोण यहाँ आते हैं 30 और 45, मैंने यहाँ बनाए हैं। एक ही बात है, उन्नयन और अवनमन कोण ये दोनों इक्वली होते हैं, तो ये 45 30 दे रखा है। पहले लेंगे ये ट्राइंगल, इससे वाई का वैल्यू आ जाएगा, फिर पूरा ट्राइंगल लेंगे कम्प्लीट तो आपके इसका वैल्यू भी आ जाएगा, ये ट्राइंगल लेकर फिर क्या करेंगे वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, ये 100√3 आ जाएगा,
और ये प्लस का उधर ट्रांस होगा तो माइनस में, स्क्वायर रूट थ्री का मान दे रखा है 1.732 घटा देंगे गुणा बा करेंगे 73.20 आ जाएगा। अच्छा और ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपके स्क्वायर रूट थ्री का वैल्यू दे रखा है तो फिर आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर ये दे रखा है छिन्नक आर वन आर टू दे रखा है, और हमें पहले तो हम स्लेंट हाइट ज्ञात करनी पड़ेगी, तो वो ज्ञात करेंगे सूत्र दे रखा है आर वन माइनस आर टू से ज्ञात कर लेंगे 26 आ जाएगा। धातु क्षेत्रफल ज्ञात करना है पाई आर वन आर टू एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये सब ज्ञात कर लेंगे उत्तर आ जाएगा 1711.3 आ जाएगा। फिर 27वां में आपकी धारा दे रखी है और साथ में वोटर वोट की चाल दे रखी है, और हमें जाना है 24 किलोमीटर जाना है, 24 किलोमीटर हमें जाना है। तो हम क्या करेंगे कि एक तो चलेंगे धारा के अनुकूल, जैसे धारा चल रही है ना उधर ही चलेंगे, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा 18 प्लस एक्स, मतलब जो पानी की चाल है वाटर की और वो हमारी चाल दोनों ऐड हो जाएगी, पर तो मतलब उल्टा हम जो चलेंगे वापस से कट करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे 18 माइनस एक्स लिखेंगे, एक्स माइनस 18 गलत हो जाएगा, क्योंकि धारा की चाल वाटर बोट से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर धारा की चाल ज़्यादा हुई तो फिर वाटर बोट पीछे चली जाएगी, इसलिए हमेशा ये कम उत्तर आएगा और ये ज़्यादा आएगा, अगर हमने ये उल्टा लिख दिया तो उत्तर गलत हो जाएगा आपके। अब हमारे पास जो टाइम दे रखा है वो है 1 घंटे का, मतलब उल्टा चलो सीधा चलो दोनों में फर्क है 1 घंटे का फर्क है, तो 1 घंटे का फर्क है तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कम है तो उत्तर ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा है तो उत्तर इसका कम आएगा भाग देने पर। फिर लसअप ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे, ये कट जाएगा और 2424 हो जाएगा 48। फिर तिरछा गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 324 और गुणा कर लेंगे 48, इन दोनों को उधर भेज देंगे तो दोनों हो जाएंगे प्लस के। ऐसी कौन सी संख्या गुणा करने पर 324 घटाने पर आता है आपके 48, वो है 54 × 6। कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस 54 एक्स माइनस 6, ये आया है आपके माइनस का 54, ये आया प्लस का 6, उत्तर प्लस में आना चाहिए माइनस में नहीं आना चाहिए, ये उत्तर गलत हो जाएगा, ये उत्तर राइट हो जाएगा। अगला है अगर वो नहीं करना चाहते हो 27 ये वाला, तो फिर ये दूसरा 27 है ये कर सकते हो। पहली यात्रा हमने की है 63 किलोमीटर की यात्रा, जो हमने पहले चाल अलग से की, फिर हमने दूसरी यात्रा की 72 किलोमीटर की, वो हमने जो चाल थी थोड़ी ज़्यादा थी, और पूरी यात्रा मैंने पूरी कर ली 3 घंटे में। हमारे पास टाइम दे रखा है, हम भी यहाँ टाइम ले लेंगे। फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों का जो सम है वो है 3, वही कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, काट लेंगे, ये गुणा बा करेंगे, यहाँ कॉमन आ जाएगा, फिर ये दोनों गुणा कर लेंगे, यहाँ पर गुणा करने के बाद तिरछा गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा, और फिर पक्षांतरण कर देंगे, इधर लेके आ जाएंगे, ये आ जाएगा 3x² माइनस 117 माइनस 378, सब में 3 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 1x² 39 और 126। यहाँ टुकड़ा ऐसा रखते हैं कौन सा गुणा करने पर 26 और घटाने पर आता है 39, वो है 42 × 3 = 42 × 3 आ जाएगा। x कॉमन या 3 कॉमन, ये आ जाएगा, ये माइनस का प्लस का और ये प्लस का माइनस का, ये आंसर राइट है 42। स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती, तो ये कट जाएगा और ये आंसर हो जाएगा 42। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 28, इसमें 4 संख्याएं दे रखी है, ये 11th क्लास में भी है और ये 10th का जो नया कोर्स आया राजस्थान बोर्ड में उसमें बताया हुआ है, जब भी 4 संख्याएं ज्ञात करनी हो, वो उल्टी है या सीधी है पता नहीं, मतलब सीधी जाएगी आगे जाएगी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं हो, तो आपको ऐसा मानना है, माना संख्या है a-3d, a-d, a+d, a+3d हो गया, सम ऑफ ऑल 4 नंबर हो जाए 32, जब सम ऑफ ऑल 4 नंबर को ऐड कर लेंगे 32 हो जाएगा, मल्टीपल का ये कट जाएगा 3d माइनस का प्लस का, प्लस का मान ये नहीं कटेगा ये रहेगा, फिर 1a 2a 3a 4a गुणा है तो भाग में a का मान आ गया। अगला है आपके पहला और लास्ट संख्या का गुणा, दोनों 20 संख्याओं गुणा का जो अनुपात है वो है 7/15, पहली a-3d a+3d ये संख्या लिख देंगे, ये पहली और लास्ट ये दोनों बीच संख्या है, ये आ जाएगा स्क्वायर के अंदर। a का मान मैंने पहले ही ज्ञात कर रखा है 8, वो वाला यहाँ जमा देंगे, फिर कर देंगे तिरछा गुणा, तिरछा गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपकी संख्या है, फिर पक्षांतरण कर देंगे 128d² बराबर 512 गुणा है तो भाग में ऐसा आ जाएगा, d का मान स्क्वायर हट गया तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, तो d का मान प्लस का 2 भी हो सकता है माइनस का 2 भी हो सकता है। अगर मैं प्लस का 2 लेता हूँ, वो पहला पद है ना वो ये है a-3d है जो मैंने अभी बताया था ना, पहला पद ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, तो जब पहला पद हम याद करेंगे तो a-3d, फिर दूसरा पद याद करेंगे a-d, मतलब पहले 2 उत्तर आएगा फिर 6 आएगा, चाचर बढ़ता रहेगा,
6 4 10 4 14, और अगर आपने डी माइनस में लिया तो उत्तर ही आ जाएंगे 14 10 6, मतलब ये माइनस दो यहाँ आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 6 हो जाएगा 14 हो जाएगा। या अब हमें अगर मालूम नहीं होना श्रेणी ऐसी है या ऐसी है, तब ये इस सूत्र में लेते हैं ए माइनस तीन डी ए डी, ऐसा लेते हैं हम, ये ध्यान रखना है। फिर चित्र नंबर 29 है, 29 में आपको बनाना था डायग्राम, तो ऐसा पहले बनाएंगे तीन, पहले बनाएंगे ये बी सी बनाएंगे 6 सेंटीमीटर, फिर यहाँ बनाएंगे 60 डिग्री कोण, और यहाँ चाप काट लेंगे 5 का, और ये बन जाएगी ए बी। पहले त्रिभुज बनाएंगे हम, ए बी सी बना लेंगे, फिर क्या करेंगे बी सी से ऐसा तिरछी लाइन खींचेंगे, उस पर 4 चाप काटेंगे, आर्क काटेंगे, और यहाँ पी फोर को और सी को मिलाएंगे, जो एंगल हमने यहाँ बनाया वही एंगल यहाँ बनाएंगे, जो एंगल सी पे बनाया वही एंगल यहाँ बनाएंगे, और ये हो जाएगा ट्राइंगल बी डी इज इक्वल टू 3/4 एरिया ऑफ ए बी सी। अब है आपके ट्राइंगल है, एक इक्विलेटेड ट्राइंगल दे रखा है, इसमें ए बी बी सी ए सी तीनों क्या है आपके इक्वल है, और बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमें प्रूव करना 9AD² = 7AB², हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ए ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो पहले लेंगे हम ये वाला ट्राइंगल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा AD² + AE² और DE² ये आ गया। अब ऐसे ये ट्राइंगल लेंगे ए बी ई, तो इसमें अंदर ये आपके हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, होगा क्या ए ए कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा AD² - AB² - DE - BE, इसको ट्रांसफर कर देंगे माइनस को उधर भेज देंगे प्लस में। अब क्या करेंगे, ये तो हमारे पास चाहिए, ये दोनों हमें जरूरत नहीं, हम चेंज कर देंगे इनको, मतलब पहले डी का वैल्यू पुट करें, डी का वैल्यू कैसा आएगा, ये रहा डी कैसा आएगा बी ई माइनस बी डी, तो बी ई माइनस बी डी हो गया। बी का वैल्यू देखो परपेंडिकुलर क्या करता है, लाइन को टू पार्ट में डिवाइड करता है, तो आएगा 1/2 बी सी, और बी डी होता है 1/3 बी सी, एलसीएम ले लेंगे आंसर आ जाएगा बी सी 6। अब पता ही है कि इक्वल ट्रायंगल की ऑल साइड आर इक्वल, तो हम क्या करेंगे बी सी और ए बी बराबर है वहां लिख देंगे, बी सी की जगह ए बी यूज कर लेंगे, तो डी का वैल्यू क्या आया ए बी बटा 6। अब बी ई क्या करता है, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो ये आ जाएगा बी ई इज इक्वल टू 1/2 BC, और ए बी बी सी आपको पता ही है इक्वल है, तो हम बी सी लिखो या ए बी लिखो बात एक ही है। अब ये दोनों जो वैल्यू है इस दोनों के, मतलब ए बी बटा 6 यहाँ लिखना है, 1/2 BC यहाँ लिखना है, तो ये दोनों हम यहाँ पुट कर देंगे ए बी अपॉन 6 ये यहाँ पर, और बी का वैल्यू पुट कर देंगे, कोष्टक हटाएंगे तो स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 6 6 36, और ये हो जाएगा 4। एलसीएम ले लेंगे 28/36, दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, तो ये आ गया 7/9 AB² क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 9AD² = 7AB². क्वेश्चन नंबर 30 आपको ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है ये है राइट एंगल ट्राइंगल, हमें प्रूव करना है AC² = AB² + BC² कंस्ट्रक्शन करेंगे BD परपेंडिकुलर ऑन AC, ये कंस्ट्रक्शन कर देंगे। पहले लेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल ABC और ADB लेंगे, एंगल ए आ रहा है कॉमन, और एंगल देखो एंगल ए जो दोनों में आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, और बी है 90 डिग्री, इसमें बी 90 है और छोटे वाले में डी 90 है, तो ए तो कॉमन आ गया और बी डी क्या आ गया 90 डिग्री, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर, अगर ट्राइंगल सिमिलर तो साइड क्या हो जाएगी प्रोपोर्शनल। हमें ऐसे नाम लेने हैं जो दोनों में आते हैं, देखो ए बी नाम दोनों में आ रहा है, ए बी इसमें आ रहा है फर्स्ट टू, तो यहाँ भी फर्स्ट टू लेने ए बी अपॉन ए डी, फर्स्ट टू टर्म फर्स्ट टू, फिर है आपके ए बी कहाँ है फर्स्ट और लास्ट में, तो पहले इसका लेंगे फर्स्ट लास्ट ए सी है, इसका फर्स्ट लास्ट ए बी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, जैसे इसमें किया है ना वैसे ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे और इधर भी कर लेंगे सेम, फिर दोनों को इक्वेशन को ऐड कर लेंगे AB² + BC² = ये दोनों ए सी आ गया कॉमन, तो ये आ गया AD + DC, AB² + BC² = AC², ऐसे पूरा मैंने बता दिया है। क्वेश्चन संख्या आगे पीछे हो सकती है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। धन्यवाद।